हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप सेटअप देख के भी समझ सकते हो कि आज वो रेगुलर सेटअप नहीं है, तो आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाए। मैंने इतना अभी तक प्लान नहीं किया है कि क्या बोलना है या फिर क्या करना है इस वीडियो में। वीडियो में बस मुझे अपना जो रॉ पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मुझे शेयर करना था स्टार्टअप और एमएनसी को लेके। तो मैंने लास्ट फ्यू वीक्स में मतलब कुछ पॉइंट्स लिखा है लैपटॉप में, बस मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर लास्ट ईयर में हो और आप सोच रहे हो मतलब कि एमएनसी या स्टार्टअप्स ये सब ज्वाइन करने के बारे में, तो मैं भी आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाए इस वीडियो से। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको सेम एक्सपीरियंस होगा, ऐसा कुछ पत्थर का लकी टाइप का नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कंपनीज कुछ डिफरेंट हो ही सकते हैं, इतने सारे कंपनीज हैं। फिर भी मतलब कुछ नहीं जानने से मतलब इस वीडियो से आपको मे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। मतलब पूरा देखने से पहले आई थिंक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देना सही रहेगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। एक्चुअली मैंने स्टार्टअप और एमएनसी दोनों में काम किया है, ऐसे फ्रेशर्स ही समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है कि मैं जब कॉलेज में लास्ट ईयर में मैं दो एमएनसी में सिलेक्ट हो गया था। एमएनसी से मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ना, जैसे 50,000 के ऊपर एम्प्लॉय वाले, ऐसे मान लो TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, ये सब मतलब इन्फोसिस, ये सब सेम कैटेगरी के हैं, मतलब उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, सर्विस कंपनीज जो है बड़े एमएनसीज। तो उनमें से मुझे दो कंपनीज में मुझे लास्ट ईयर में जॉब मिल गया था, लास्ट ईयर और ग्रेजुएशन के बाद एक दो महीने बाद ही एक मिल गया था, तो दो में मिल गया था। मैंने उसमें से एक में ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग वगैरह भी किया, 6 महीने उस कंपनी में मैं था। तो उसके बाद मैंने चेंज कर दिया कंपनी और मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनसी भी ज्वाइन किया है, और फिर से मैंने 6 महीने बाद जब एमएनसी छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन किया था, तब भी मैं एज ए फ्रेशर्स ही ज्वाइन किया हूँ। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस मतलब सबके पास नहीं है कि एज ए फ्रेशर्स ही दोनों जगह का एक्सपीरियंस, कि कैसे इंटरव्यू होता है, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, या फिर जॉब में फर्स्ट जॉब में कैसे एक्सपीरियंस होता है एमएनसी में और स्टार्टअप में, ये सब मैंने दोनों तरफ से एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए या फिर थोड़ा आइडिया हो जाए दोनों के बारे में। तो जो पहला पॉइंट है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया दोनों में से किसी एक में, थोड़ा और बात करेंगे आगे जाके थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी। मान लो अगर हो भी गया तो उसके बाद जो जॉब में फर्स्ट थिंग होता है कि एमएनसी में मिनिमम 1 महीना आपका ट्रेनिंग हो ही जाता है, ठीक है। तो वो आपको हायर करने के बाद भी अपना कुछ उनका ट्रेनिंग प्रोसेस है, अलग अलग बैचेस होते हैं कि उनके सिलेबस वगैरह में होते हैं, तो वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग कराएंगे मिनिमम 1 महीना, कहीं कहीं तो 2 महीना भी करा देते हैं। लेकिन स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है ट्रेनिंग वगैरह, आपको मैक्सिमम 1 हफ्ता थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशर्स हो, आपको इतना आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको 1 हफ्ता हो सकता है वो अपने टेक्नोलॉजीज के बारे में, टेक जो स्टैक होता है उनका, उनके बारे में थोड़ा सा बताया आपको। बट एज सच कोई ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं होता है स्टार्टअप में यूजुअली। तो स्टार्टअप में वही स्ट्रेट मतलब आप 1 हफ्ते बाद ही प्रॉपर प्रोजेक्ट में ही काम करना स्टार्ट कर देते हो, और एमएनसी में ऐसा ऑब्वियसली नहीं है। और स्टार्टअप में थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी होता है, ऐसा मतलब आप समझ रहे हो कि अगर छोटा टीम है तो ये थोड़ा इजी होता है कि आप ये उनके साथ कोलैबोरेट करें अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से। मान लो आपका कोई मीटिंग है 2 बजे, आपको कुछ काम है आपको 3 बजे करना है, तो इजीली चेंज हो जाता है। छोटा सा टीम है, आप थोड़ा सा इधर उधर मैसेज कर दो आप अपने टीममेट्स को, तो लोग एग्री कर लेते हैं। लेकिन एमएनसी में ऑब्वियसली बहुत बड़ा टीम होता है, मान लो 30 लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक मीटिंग में, अगर आप बोलोगे कि मुझे काम है थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए, ऐसे नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं होता एमएनसी में, बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो स्टार्टअप में कुछ भी मतलब अपने हिसाब से आप आपका थोड़ा वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप टीम में एक हिस्सा हो, छोटे से टीम में ही आपके ओपिनियंस का भी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। लेकिन ऑन द अदर हैंड एमएनसी में थोड़ा सा जो एडवांटेज है कि आपको प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पे भी काम करने को मिल सकता है। लेकिन स्टार्टअप में यूजुअली क्या होता है कि उनका खुद का जो प्रोडक्ट्स है, या फिर अगर होंगे भी क्लाइंट्स तो ऐसे लिमिटेड ही होंगे, तो उनमें से ही कुछ आपको काम करने को मिलेगा। यूजुअली तो होता ही है कि स्टार्टअप का जो खुद का प्रोडक्ट है उसी पर आपको काम करने मिले। लेकिन एमएनसी में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, आपको किसी एक में भी काम करने को मिल सकता है, और हो सकता है आप अगर लकी हो तो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे एकदम स्क्रैच से आपको करने को मिले,
तो उसमें भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन एमएनसी के मामले में आपको बस थोड़ा सा लकी होना चाहिए आई गेस, क्योंकि एमएनसी में दो चीज़ें हैं, एक तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि आपको इसी प्रोजेक्ट पे काम मिलेगा। आपको हो सकता है कोई छोटे प्रोजेक्ट पे मिल जाए, आपको हो सकता है कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट पे मिल जाए, कोई सर्विस डेस्क टाइप के प्रोजेक्ट में मिल जाए, तो थोड़ा सा लक लक के ऊपर ये डिपेंड करता है। स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कुछ, स्टार्टअप में आपको ज्वाइन किया है तो आपको काम ही करना है, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई सर्विस डेस्क वाला काम आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एज ए डेवलपर ज्वाइन किया है तो आपको डेवलपमेंट ही करना है, हो सकता है आपको ज़्यादा कुछ करना पड़े लेकिन ऐसे कुछ कम नहीं करना पड़ेगा जो भी आपका पोजिशन है उससे। और फिर स्टार्टअप में ऐसे कोई बेंच पीरियड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्वाइन किया है आपने, बस आपने थोड़ा बहुत सीख लिया उनके प्रोजेक्ट के बारे में, उनके टेक स्टैक के बारे में, उसके बाद आपको काम ही करना है रेगुलरली। लेकिन एमएनसी में क्या होता है कि आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपको हो सकता है 1 महीना 2 महीना बेंच में रहना पड़े, जब तक आपका कोई खाली पोजिशन नहीं मिल रहा या फिर कुछ नया कोई नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो रहा, तब तक आपको ऐसे ही बस बेंच में रहना है, और ऑफिस जाओ और आओ, और ऑफिस में आपको बस लॉग इन लॉग आउट ही करना होता है। ऐसे स्टार्टअप में ऐसे नहीं होता है। और लैंग्वेज ड्रेस कोड, मतलब ऑब्वियसली स्टार्टअप में थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, अगर छोटा टीम है, अगर सब लोग हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में बात कर लो, और एमएनसी में इतना बड़ा टीम होता है, सबको ऑब्वियसली हिंदी नहीं आता होगा, तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में ही आप बात करें। थोड़ा बहुत हिंदी चल जाता है अगर छोटा टीम है, मतलब आप एकदम क्लोज टीम के साथ मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तब, नहीं तो यूजुअली एमएनसी में आपको हमेशा इंग्लिश में ही मीटिंग करना पड़ता है। और ड्रेस कोड भी, अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो ऑफिस कोई नहीं जा रहा यूजुअली। क्या होता है कि स्टार्टअप में इतना कोई ध्यान नहीं देता है ड्रेस कोड, आप कुछ भी पहन के आ जाओ, चप्पल वप्पल पहन के आ जाओ तब भी चल जाता है, लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। पहले जितना स्ट्रिक्ट नहीं है अभी, इतना फॉर्मल नहीं पहनने बोलते, आप टी शर्ट वर्ट पहन के भी जा सकते हो, जीन्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे चप्पल पहन के तो नहीं जा सकते, लेकिन स्टार्टअप में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मीटिंग्स के बारे में, मतलब जो मैंने देखा है कि एमएनसी में थोड़ा सा ज़्यादा मीटिंग्स होता है ये स्टार्टअप के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टार्टअप में आप छोटा सा टीम है तो आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर लो, एक आध मीटिंग कर लो तो सबके पास मतलब आइडिया सेम ही हो रहता है, आपको सबको आइडिया है कि क्या करना है। बट एमएनसी में ऐसा नहीं होता है, एमएनसी में अलग अलग बहुत सारे टीम होते हैं, कि एक ही प्रोजेक्ट में 5-6 अलग अलग टीम होते हैं, सबके साथ अलग अलग मीटिंग करना होता है, कभी एक सीनियर्स का मीटिंग हो गया, कभी जूनियर्स का मीटिंग हो गया, कभी कुछ एक्सप्लेन करना हो, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, मैंने एक प्रोजेक्ट पे मतलब एकदम स्क्रैच से भी काम किया है एमएनसी में, तो स्टार्ट होने से पहले तो 1 महीना लग जाता है मीटिंग में ही, कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिसाइड करना, या फिर कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ करना है वो सब डिसाइड करना, टीम फॉर्मेट डिसाइड करना, स्प्रिंट का प्लानिंग करना, ये सब में 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है मतलब एमएनसी में। स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन में सब डिसाइड हो जाता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है और फिर काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टार्टअप में क्या होता है, प्रोजेक्ट करते करते ही आपको बहुत कुछ चेंज करना होता है, डिसाइड करना होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एमएनसी में यूजुअली क्लाइंट रिक्वायरमेंट देते हैं तो सब लोग कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ फिक्स्ड रहे, क्लाइंट पहले पूरा रिक्वायरमेंट अच्छे से दे, वो थोड़ा डिसाइडेड हो जाए तो ही डेवलपर काम करते हैं, ताकि सब कुछ गड़बड़ ना हो मतलब जब डेवलपमेंट कर रहे हो आप उस वक्त, तो इसीलिए मीटिंग ज़्यादा होते हैं, सब कुछ डिस्कशन ज़्यादा होता है एमएनसी में। और एकदम प्रॉपर मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो एमएनसी में मैंने जो नोटिस किया है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत फोकस रहता है, या फिर कोड स्ट्रक्चर में, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ये सब में बहुत फोकस रहता है। स्टार्टअप में ऐसा यूजुअली नहीं होता है, होता भी है तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं रहता है फोकस, क्योंकि टीम छोटा है तो इतना टाइम नहीं मिलता है, मतलब ये रिव्यू करना हो, डॉक्यूमेंटेशन लिखना हो, टेस्ट केसेस लिखने हो, ये सब में भी बहुत टाइम लग जाता है, और स्टार्टअप के पास इतना रिसोर्सेज, इतना टाइम होता नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब आई वुड से कि स्टार्टअप के केस में कोड थोड़ा सा मेसी होता है एमएनसी के कंपैरिजन में, क्योंकि एमएनसी में क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, उनका भी थोड़ा बहुत डेवलपर्स कभी कभी रिव्यू वगैरह कर लेते हैं, तो उस केस में आपको हमेशा कोड बहुत क्लीन रखना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजन पहले से लेना पड़ता है कि ये रूल्स होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, बहुत कुछ आपको पहले से सीनियर्स डिसाइड करके देंगे, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत बना के देंगे, जो कि स्टार्टअप में इतना यूजली नहीं होता है। और ये प्रोजेक्ट काम छोड़ के भी बहुत सारे चीज़ें हैं कंपनी में जो आपको शायद ज्वाइन करने के बाद ही पता चले, और आपको अभी शायद नहीं लग रहा होगा ये सब पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसे एक दो पॉइंट टच करना चाहता हूँ जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बोलना चाह रहा था कि एमएनसी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट में, अगर ज्वाइन से पहले हो, ज्वाइनिंग के बाद हो, तब भी हमेशा उनका फोकस रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहे और सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, आपको कॉल्स वगैरह आएंगे कि डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगने के लिए। मतलब हो सकता है कभी कभी तो होता है एक एमएनसी आपको सेम डॉक्यूमेंट 3-4 बार भी मांग सकते हैं, ऐसे होता है। और लेकिन स्टार्टअप में ऐसे ज़्यादा नहीं होता है कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट भेज दिया, बस उन्होंने सेव करके रख लिया, उतना ही काफ़ी है। बार बार ऐसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं होता। और भी डॉक्यूमेंट्स अलग से कंपनी स्पेसिफिक बताऊँ तो ऐसे होता है जो सैलरी स्लिप वगैरह, फॉर्म 16 वगैरह, जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें स्टार्टअप में मतलब आपको थोड़ा बहुत, ये मतलब इतना रेगुलराइज नहीं है सब कुछ, आपको थोड़ा बहुत सीनियर से बात करना पड़ेगा, आपको ऐसे जाके उनको मैसेज वगैरह करना पड़ेगा या फिर उनसे बात करना पड़ेगा कि आपको ये चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर वो मंगवा के देते हैं आपको या फिर बना के देते हैं। तो लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं है, यूजुअली क्या होता है, एक पोर्टल वगैरह वेबसाइट टाइप का बना हुआ रहता है, आप वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16 तक भी डाउनलोड कर सकते हैं, सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है आपका, सैलरी कॉम्पोजिशन टाइप का होता है ना, सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या डिडक्शन वगैरह हो रहा है, वो सब कुछ भी मतलब आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो पोर्टल से ही, जो स्टार्टअप में लोग इतना मेंटेन नहीं करते और यूजुअली नहीं होता है ऐसे पोर्टल स्टार्टअप में। तो ये बाद में आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्स का, आपको अभी ऐसे नहीं लग रहा होगा अगर आप फ्रेशर्स हो, लेकिन ऐसे ज़रूरत पड़ता है इन सब डॉक्यूमेंट्स का। तो ये एमएनसी में मिलना थोड़ा इजी होता है ये सब। और ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बोल दिया, और ये पीएफ अकाउंट वगैरह जो स्टार्टअप, अगर डिपेंड करता है स्टार्टअप कितना बड़ा है, मैं स्टार्टअप मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे कंपनीज जो मान लो 10 एम्प्लॉय से लेके 200-250 एम्प्लॉय तक, और एमएनसी मतलब मैं बोल रहा हूँ मान लो 50,000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका, तो उनका जो एमएनसी है उनका पीएफ अकाउंट वगैरह भी सब कुछ एकदम क्लियर रहता है, आपको ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेके भी। और वो एक और चीज़ की एमएनसी ज्वाइन करते ही आपको शायद ये दे देंगे, उनका टाई अप रहता है जो बैंक्स वगैरह है ना, जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह, बड़े प्राइवेट बैंक्स वगैरह, तो उनसे आप उनका थोड़ा बहुत टाई अप रहता है, तो वो आपको सैलरी अकाउंट तुरंत बना के दे देंगे, एक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ। और ऐसे ऑब्वियसली नहीं होगा स्टार्टअप में, आप अपना पर्सनल अकाउंट ही शायद यूज़ करोगे ये स्टार्टअप में एज ए सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट के थोड़े बहुत बेनिफिट्स होते हैं एक्स्ट्रा, जो आपको एमएनसी ज्वाइन करते वक्त ही वो तभी के तभी वो बनवा देंगे सैलरी अकाउंट। और पीएफ को छोड़ के इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, जो डिपेंड करता है, अगर स्टार्टअप बहुत छोटा है तो इंश्योरेंस वगैरह का भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो एमएनसी में आपको कुछ बताना नहीं होगा, ये तो रहेगा ही इंश्योरेंस वगैरह जो है एमएनसी में। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए ही, और थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का भी मतलब फ़र्क है, स्टार्टअप थोड़ा सा लेस स्टेबल है कंपेयर टू, मतलब थोड़ा सा नहीं, डिपेंड करता है, अगर स्टार्टअप छोटा है तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली ये जो अभी कोरोना का टाइम गया इसके वजह से भी बहुत स्टार्टअप्स को बहुत दिक्कत हुआ, एमएनसी को भी दिक्कत हुआ। लेकिन आप ये मतलब कॉमन सेंस है कि अगर एक कंपनी बहुत बड़ा है और एक कंपनी छोटा है तो ऑब्वियसली फ़र्क छोटे कंपनी को ज़्यादा पड़ेगा, कोई भी ऐसे जो कोरोना टाइप की कोई भी सिचुएशन आए तो इन सब चक्कर में आपको थोड़ा सा लोन्स वगैरह की भी दिक्कत हो सकता है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो एमएनसीज हैं उनके सारे मोस्टली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं ना वहाँ पर उनके ऑफिस वगैरह है, तो बैंक्स वगैरह को ट्रस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, सब इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब कुछ क्लियर ही रहता है, जो एमएनसी का मैंने बताया, ये जो फॉर्म 16 हो, सैलरी स्लिप हो, सब कुछ, तो आपको लोन्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा आपको मतलब बैंक्स ही कॉल करके बोलेंगे कि लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, या फिर कुछ उनका स्कीम ले लीजिए। लेकिन स्टार्टअप में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है और आपको अगर लोन लेना है तो बैंक्स इतना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत सारे बैंक्स को घूमना पड़ेगा, और क्योंकि सब जगह इनका ऑफिस वगैरह भी नहीं है तो बैंक फिर वेरीफाई करने में भी दिक्कत करते हैं थोड़ा बहुत। तो बस ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने शेयर किया। तो ये सब दिक्कत होने के बावजूद मतलब स्टार्टअप में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट मतलब दिमाग में रखना चाहिए, अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो तो ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ही आप स्टार्टअप ज्वाइन कीजिए। जैसे एक है फर्स्ट पॉइंट की लर्निंग, अगर आप मतलब बहुत ही ज़्यादा चाहते हो कि आपको लर्निंग चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा आपको सीखना है, ग्रोथ चाहिए फर्स्ट में ही, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ग्रोथ मतलब सैलरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो
तो स्टार्टअप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दूसरा रीज़न होना चाहिए कि अगर आपको वही स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे ट्रैवलिंग मान लो, अगर आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप एज ए डेवलपर काम करना चाहते हो लेकिन आप स्टार्टअप में भी काम करना चाहते हो, तो आप ऐसा कीजिए कोई ट्रैवल रिलेटेड स्टार्टअप में काम कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा आपके काम करने में और आप उस टीम में ज़्यादा घुल मिल सकते हो और ज़्यादा मतलब आपको आइडिया होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जो आपको पसंद है। तो अगर उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस रखना है तो ही आप स्टार्टअप की तरफ देखिए। और अगर आपको इस टॉपिक में और ज़्यादा वीडियोस चाहिए कि स्टार्टअप में मैंने कैसे अप्लाई किया था, कहाँ से अप्लाई करना होता है, क्या इनका इंटरव्यू प्रोसेस है, थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट है MNC के कंपैरिजन में, तो वो सब के बारे में भी अगर आपको मतलब कोई एक एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके बारे में वीडियो बना दूंगा, मतलब ट्राई करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दूं। तो यही पॉइंट्स था जो भी ओवरव्यू मुझे शेयर करना था, ऊपर से मैंने जो भी पॉइंट्स शेयर करना था वो मैंने शेयर कर दिया। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक में तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि MNC में क्या होता है, आप एक बड़े से टीम का एक छोटा सा हिस्सा हो, तो उस हिसाब से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा सा कम होता है, ऐसे आपका वैल्यू भी थोड़ा सा कम होता है एज ए टीम में, क्योंकि बहुत बड़ा टीम है, आपके ऊपर इतना फोकस ऑब्वियसली नहीं रहेगा, आपके काम के ऊपर इतना फोकस नहीं रहेगा। और स्टार्टअप में ऑन द अदर हैंड होता है कि आप छोटे सी टीम का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, आपके काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगे। तो यही मेन डिफरेंस होता है जो वर्क रिलेटेड डिफरेंट है, एक्चुअल वर्क रिलेटेड डिफरेंस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी वर्क कल्चर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही जो आपको मैंने बताया। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, और ये मेरे ये सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछना है तब भी इन सोशल मीडिया पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इतना ज़्यादा फेमस हूँ नहीं, आप मैसेज कर दोगे तो रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत ही। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।